तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तुला राशि वालों, संकट मोचन प्रभु महाबली हनुमान जी से प्रे करते हैं कि हे प्रभु, किसी के घर धन दौलत की बरसात हो या ना हो, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए कोई न तरसे। हमारी आपसे बस इतना ही अनुरोध है प्रभु कि आप सभी को बराबर खुशियां देना, आप सभी को अपार धन संपदा देना। तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान के घर से बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। वाले समय में भिखारी से भी महाभिखारी अब राजा बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। प्रभु महाबली संकट मोचन हनुमान जी ने दे दिया बहुत बड़ा शुभ संकेत, क्योंकि दोस्तों भिखारियों की जिंदगी बहुत जी लिए, अब और नहीं। स्वयं महाबली संकट मोचन हनुमान जी ने यह ऐलान कर दिया है कि इस राशि के जातकों को अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से संवरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे के बाद कुछ ऐसी घटना आप सभी के जीवन काल में घटित होने वाली है, जिससे कि दोस्तों भिखारी से भी महाभिखारी अब राजा बनेगा। दोस्तों भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब प्रभु महाबली संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़ा उलटफेर होगा। आज दोपहर 2 बजे के बाद, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको सभी जानकारियां देंगे कि आज आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, आपके जीवन में क्या क्या खुशियां लेकर आने वाली हैं, आपके व्यापार व्यवसाय कैरियर बिजनेस लव लाइफ स्वास्थ्य आपके पारिवारिक माहौल दैनिक दिनचर्या आपके लेन देन पर व दिन भर में होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जाएगा और एक एक कर जानकारियां हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सच्चे मन से सच्चे हृदय के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाबली जय माता दी जरूर लिखें। आइए दोस्तों बात करते हैं। तुला राशि वालों, जैसा कि आपने सुना है, भिखारी से भी महाभिखारी अब राजा बनेगा, क्योंकि दोस्तों भगवान ने बहुत बड़ा आदेश दे दिया है और भगवान का आदेश कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं और हम सभी के भलाई के लिए ही करते हैं। भगवान अगर एक रास्ता बंद कर देते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान अगर एक रास्ते बंद करते हैं तो वो अनेक रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान की लीला अपरंपार है। इसे आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। दोस्तों आपने किस चीज के लिए कितना मेहनत किए हैं, कितना सब्र किए हैं, कितना इंतजार किए हैं, ये सब आप और ऊपर वाला वह भगवान जानता है। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, आप अपने जीवन में जो भी किए हैं उसका फल एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ, कभी कभी हमें हमारा मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है तो उस समय हमारा मन छोटा हो जाता है, हमारा मन उदास हो जाता है। और अगर यही गलतियां आप भी कर रहे हैं तो दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों सफलता और कामयाबी हमें उसी कामों को करने से मिलती है जिस कामों में हमें मन नहीं लगता है, जो काम करना हमें पसंद नहीं होता है, अक्सर उन्हीं चीजों से हमें सफलता मिलती है, हमें हमारा लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी बड़ी आपकी कामयाबी होगी, जितना भी बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उतना ही बड़ा आपका संघर्ष भी होगा, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी होंगी। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप एकदम सही कह रहे हैं।
देखिए दोस्तों, सितारे कहती हैं आज का दिन आपके लिए आय के नए नए स्रोत लेकर आने वाला है। आपको अपनी संतान की समस्याओं के समाधान के लिए परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप आलस्य दिखाकर अपने कुछ कामों को कल पर टाल सकती हैं, जो आपके लिए समस्या बनेगी। दोस्तों, इतना आज आपको जरूर ध्यान रखना है कि आज आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं उसे आज ही खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य भी साथ दे रहा है, ग्रह गोचर भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इस मौके पर चौका मार देंगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और अपने साथ साथ दूसरों के कामों में भी हाथ डालेंगे। आप किसी नई वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं जिसमें आपको लाभ होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के प्रेम में डूबे नजर आएंगे और वह सही है गलत है समझ नहीं कर पाएंगे, इससे उन्हें कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना है, तभी आपको आगे बढ़ना है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको जीवन साथी के लिए किसी नए काम की शुरुआत कराना अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने पहले कोई प्रॉपर्टी में धन निवेश किया था तो आज उससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आप कार्य क्षेत्र में कुछ नीति व नियमों का पालन करें, नहीं तो आपसे कोई गड़बड़ी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज कार्य क्षेत्र में क्रोध करने से बचना होगा, नहीं तो लोगों को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। माता पिता से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकती है। आप अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना बनाएंगे जिसमें आपको लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए कुछ समस्या भी लेकर आ सकता है। अगर आप सही समय पर सही काम नहीं करेंगे तो समस्या भी आज आपको हो सकती है। जी हाँ, आप घर परिवार में यदि बड़ों की सलाह मानकर चलेंगे तो इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में यदि आपको कोई जिम्मेदारी भरा हुआ काम दिया जाए तो आपको उसे अच्छे से निभाना होगा। जी हाँ, आपके कोई छुपा हुआ राज परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। यदि आप जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे तो उसमें आज सुधार होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। आप अपने बिजनेस की कुछ योजनाओं की फिर से शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने किसी पुराने लेन देन को चुकता करना होगा, नहीं तो कोई आपसे अपना ध्यान वापस मांगने का जो है काम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी शान शौकत की कुछ वस्तुओं की खरीदारी कर सकती हैं, लेकिन आपको अधिक व्यय करने से बचना होगा। आप यदि विदेशों से व्यापार की योजना बनाएंगे तो आपकी वह इच्छा आज अवश्य पूरी होगी और आप अपने स्वास्थ्य में चल रही गिरावट के कारण थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने कामों को समय रहते पूरा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद, दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, और माता रानी आपके सभी सपने जल्द ही साकार करें। माता रानी से दोनों हाथ जोड़कर बस इतना ही अनुरोध करते हैं।